देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नहीं नयन, मैं रो थोड़ी रहा, वो तो मेरी आंखा च कुछ चला गया सी। झूठ ना बोलो देवांश जी, मन्या मैं शरीरिक अखा नाल तुहानू वेख नहीं सकती, पर मेरे मन दी आंखा तुहानू चंगी तरह वेख सकती हैं। रोना बंद करो, बंद करो रोना। नयन तू इत्थे बैठ, मैं हुणे आना। चंगा होया चाची जी तुसी आ गए। तुसी इदा करो, तुसी नयन नू कपड़े चेंज करन च हेल्प कर दो। कह रहा सी कि अपना आने वाला कल नहीं वेख सकती, पर तू ए ना भूल कि उस तो बिना भी ए सानू साड़ी हर चाल च हरा देंदी है। सच दसां तां मैं तां इहदे जिंदा रहण तो ही तंग आ चुकी हां। अन्या हुंदिया होया भी ए सब दे सामने आके इन्नियां वधिया वधिया गल्लां कर रही है। जिन्ना मैं चाहती है मेरी जिंदगी तो दूर चली जाए, उन्ना ही जोक बन के मेरा लहू पीण आ जाती है। पर बस हुण होर नहीं, क्योंकि इस बार मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद करांगी कि मेरे सामने मुंह नहीं खोल सकेगी। अजे तां इह सिर्फ अन्नी होई है ना, इस बार तां मैं इहदी जान ही ले लवांगी। ओहो दीदी जी, तुसीं तां वैसे भी यमराज नूं अपना दोस्त बना के रखदे हो। तुहाडा की है, तुसीं तां किसे दी भी मौत दा मुहूर्त कदे भी कढ सकदे हो। हुण इह दसो, इस नयन की मौत का मुहूर्त कदों का कट रहे जे? ओंपी, दिवांश के इस आने वाले जन्मदिन तो पहला नयन का मरण दिन होएगा। है? इतनी जल्दी? असी तो कोई प्लान भी नहीं बनाया, असी उन्हें मारेंगे किदा? ओंपी, प्लान बने या ना बने, पर हुण मैं होर इंतजार नहीं कर सकती। सानू जो करना पेगा ना जल्दी करना पेगा, नहीं तो इस तरह बार बार प्लान फेल होने करके तो मैं पागल ही हो जावांगी। चाची जी, चाची जी, चाची जी, चाची जी, आ गई नयन। ऐ कित्थे चली गई? चाची जी, चाची जी कित्थे चले गए तुसी? ऐ तां इत्थे भी नहीं है, फिर कित्थे गई?
नयन तू अपने रूम तो बाहर क्यों आई? जे किसी चीज की लोड़ हुई तो मैनू आवाज मारिया कर। इतने पौड़ियां सी नयन, जे तू पौड़ियां तो थले डिग जाती फिर मैं की करदा? दिवांश जी नयन नयन दिवांश हले एक मिनट पहले ही मैनू तैयार करके कमरे चो बाहर आई सी। मैं सोचिया सी इहदा सब तो सोहना मुखड़ा सब तो पहला तू ही देखे, पर एक कल्ली बार पता नहीं किदा आ गई। चंगा होया दिवांश कि तू आ गया। दिवांश हुण तेनू ही इहदी रक्षा करनी पएगी। दिवांश जी मैं तो चाची जी नूं कहा भी सी मैनू इन्ना सजान सजान की कोई लोड़ नहीं, सब करन दा केड़ा कोई फायदा? क्यों नैन क्यों लोड़ नहीं है? तू वेखना नहीं चाहती कि तू कितनी सोहनी लग रही है? पर दिवांश जी मैं किदा? मेरिया नजर ना नैन, अज तू मेरिया नजर ना देखेंगी तो महसूस करेंगी कि तू कितनी सोहनी। की सिफत करा तेरे इस चेहरे दी, तू लगती है जन्नत हूर। तेरी ये खूबसूरती वेख के मेरे चेहरे ते आंदा है नूर। साड़ी तेरे ते बहुत सोहनी लग रही है नयन, पता है हर रंग पाके तेरे चेहरे ते आपे ही निखार आ जांदा। ते तेनू वेख के मेरा दिल फुल्लां वांग खिड़ जांदा। ना नैन की कर रही है, तेरा कजल खराब हो जाएगा। तेनू पता है नैन मेरे दिल च किन्ने जज्बात ने जेड़े मैं तेनू कहना चाहता। मेरा वास चले ना नैन इतना ही कज्जल बन के तेरी अखां च रहना चाहता। तेरे गहने चमचमांदे तारे ने जिन्हां दा माण तू वधाए, क्योंकि इन्हां ने तेनू नहीं बल्कि तू इन्हां नूं पा के सजाए। तेरी चूड़ियां दी जिहड़ी खनखन है इन्ना ना जुड़ी मेरे दिल की धड़कन है। जे चूड़ियां दी खनखन नहीं तो समझ ले उस दिन मेरे दिल की धड़कन भी नहीं। नहीं पर एक कमी है। की दिवांश जी?
मंगल सूत्र हूं कमी पूरी हो गई। रुक जाओ, इधर ना करो प्लीज, मेरा मंगल सूत्र वापिस दो मिलो। दिवांश जी मैं थानू देखना चाहनी हूं, मैं तेरे ना वादा करता ने तेरियां अखां दी रोशनी वापिस लेके आण ली, मैं हर इम्पॉसिबल चीज नू पॉसिबल कर दांगा। तू वेखी, तू दुनिया दोबारा अपनी अखां ना जरूर वेखेंगी। राम नन्हे हौली हौली पैर रख, बस एक और स्टेप। नैन किन्ने कीता ये सब, एक बार मैनू ओदा नाम दस दे, मैं तेरे नाल वादा करदा मैं ओनू सख्त तो सख्त सजा दिवावांगा। शमशेर जी थानू किवें पता लग गया? ये तो दिवांश ने मैनू दस दिता, पर जे दिवांश ना दसदा तू मैनू बिल्कुल ही दसना सी ना, तू मैनू मिनटा च इन्ना पराया कर दिता। दीदी जी अपने डर नू अपने आप ते इन्ना हावी ना होन दिओ कि वो तुहाडे फेस ते नजर आना शुरू हो जाए। आपां इदां बिहेव करना कि जिवें सानू कुछ पता ही नहीं है कि होया की है। दस नैन एक वारी याद करके उहदा नाम दस, फिर वेख मैं उहदा की हाल करदा। शांत हो जाओ शमशेर जी। हाँ जी शमशेर जी, इदा गुस्से च कुछ भी करना ठीक नहीं है। नहीं मेरा गुस्सा ठंडा ना होन दो।
मैं अपनी धी इस हालत नहीं वेख सकता। दस नैन कौन सी हो लोग, याद कर दिमाग से जोर पा ते दस मैनु कौन सी हो, कौन है जिम्मेवार? ठीक है थानू सब दस दे। शमशेर जी जिन्हों ने मैनु किडनैप किया सी वो मेरे भविख में होने वाली घटनावां दे दृष्ट चानण की शक्ति नु जानते सी, वो मेरी शक्ति का गलत तरीके ना फायदा चक के पैसा कमाना चाहते सी, इसलिए उन्होंने मैनु किडनैप किया सी। मैनू यह तो नहीं पता लग्या कि उन्होंने मेरी इस कृपा दृष्टि बारे किवें पता लग्या, पर हाँ मैं इन्ना जरूर जानती हाँ कि वो मेरी इस कृपा दृष्टि बारे पहला तो ही जानते सी। जिद्दां ही मैं उन्होंने यह दस्या कि हुण मैं अखां वालों लाचार हो चुकी हाँ, मेरी निगाह जा चुकी है, हुण मैं उन्होंने किसी काम की नहीं। तो उन्होंने पता नहीं की सोच के मैं छड्ड दिता। दीदी जी लो आप बच गए, हूँ सारा इल्जाम उन्होंने लोगों पर आएगा जिहड़े लोग इन्हें इत्थों लैके गए सी। मैं जानता उस जगह नूं, कोई पुराना जिहा मोहल्ला है, उत्थे एक बस स्टैंड है, वो लोग तुहानूं उत्थे ही मिलणगे। फिकर ना करना है, मैं तेरे नाल वादा करदा, मैं उन्होंने अद्धे घंटे के अंदर अंदर फड़ के जेल छुड़ दांगा। लगता है इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ना। मैं लेके जाऊंगी इन्हें हॉस्पिटल। शमशेर जी, शमशेर जी रुक जाओ। शमशेर जी तुसी उन्होंने गिरफ्तार ना करियो। तू की कह रही है नैन? शमशेर जी तुसी नैन की गल ना सुनो, तुसी हुने जाओ ते उन्हें अरेस्ट करो। एक्चुअली नैन तू शमशेर जी रोक क्यों रही है? तू जानती है ना उन्होंने तेरे ना कितना गलत किया, तू नहीं चाहती उन्होंने उन्होंने किए की सजा मिले? हाँ जिन्ह ने मैनू किडनैप किया सी वो बेचारे तो आप गरीब से, उन्होंने मेरी अखां नूं कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ਨੈਣ ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਔਰਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਾਂ। क्योंकि मैं जानती हाँ कि कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। कि मैं उस जगह पे आप नहीं गई सी बल्कि मैंने किसी ने फोन करके उस जगह पे बुलाया सी, वो भी ये झूठ बोल के कि दिवान जी की जान नु खतरा है, उन्होंने एक्सीडेंट हो गया।
इतों तक कि चिन्ना ने मेरे से हमला किया ना, उन्होंने चश्मा भी पाया होया ताकि उसे रीला पाउडर उन्होंने अखा उपर कोई असर ना कर सके। चिन्ने भी यह किया है ना, वो यह जानता से कि मैं आने वाली घटनावां दे दृश्य वेख सकती कि उन्हें सिर्फ मैनू मेरी अखा तो लचार करन वास्ते ताकि मैं आने वाली घटनावां ना वेख सकूं, इसलिए मेरे ऊपर हमला किया सर।